हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 7 जुलाई 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर PDF का लिंक पिन कर दिया जाता है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमने कल के वीडियो में विश्व जनोज दिवस किस दिन मनाया जाता है इसके बारे में चर्चा किया था, इसके हिस्ट्री के बारे में देखा था कि आखिर ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर कुछ हम लोगों ने कल ही देख लिया था। तो जुलाई, ये मंथ चल रहा है जुलाई, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है जुलाई मंथ के उसको भी हम लोग एक बार करके रिविजन कर लेते हैं। तो विश्व जनोज दिवस, ये जुनोज क्या है? तो जूनोटिक डिजीज के बारे में कल बताया था कि जो एनिमल से रिलेटेड, जैसे वायरस हो गया, ये सबसे रिलेटेड जो डिजीज होता है, वो जो स्प्रेड होता है, वो कैसे स्प्रेड नहीं हो उसके अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। तो जुलाई से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको एक बार रिविजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, और उसी दिन मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे। तो इंपॉर्टेंट ये है, नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। जुलाई के फर्स्ट सैटरडे, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोज डे, जो कि अभी हमने चर्चा किया था पिछले स्लाइड में हमने चर्चा किया और कल के भी वीडियो में चर्चा किया था। चलिए बात करते हैं कि जो झारखंड के नए राज्यपाल कौन होंगे। अभी झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी और अभी से, मतलब ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और झारखंड के नए राज्यपाल बनाया गया है रमेश बैस को। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इन सारे राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अभी क्या हुआ है, 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। 8 राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे इंडिया के राष्ट्रपति हैं। तो अब यहां से पता चल गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कितने राष्ट्रपति, कितने राज्यपाल किन किन राज्य में बने हैं, वो कौन थे, कहां से ट्रांसफर हो गया है, इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिए, PS श्रीधरन पिल्लई, आपको इसका नाम पता होगा, PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि कहां के गवर्नर थे, मिजोरम के थे। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल थे। तो अगर आपसे आज के बाद से पूछा जाए कि मिजोरम के राज्यपाल, तो आपको, या अगर ये वीडियो आप नहीं देखे या फिर अगर कंटेंट से ये करंट जो हुआ है इससे अगर आप अवेयर नहीं है तो आप बता देंगे कि मिजोरम के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। लेकिन अभी जो ये PS श्रीधरन पिल्लई है वो गोवा के गवर्नर बना दिए गए हैं। गोवा, अब जो PS श्रीधरन पिल्लई है वो कहाँ के गवर्नर हो गए, तो गोवा के गवर्नर हो गए। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर हो गए, ठीक है। तो मिजोरम के गवर्नर कौन बन गए? पहले तो मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई थे, तो जो कि गोवा में चले गए, तो मिजोरम के राज्य, मिजोरम में भी कोई राज्यपाल बना होगा, तो मिजोरम में राज्यपाल बना है हरि बाबू कम भापटी, ठीक है, हरि बाबू कम भापटी बना मिजोरम के राज्यपाल। वही सत्यदेव नारायण आर त्रिपुरा के राज्यपाल बने। सत्यदेव नारायण आर कहां के राज्यपाल थे, तो हरियाणा के राज्यपाल थे। रमेश बैस कहां के थे, तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे, और अभी इन्हें झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल थे और अभी इन्हें झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। थावरचंद गहलोत जो था, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन इनको अभी थावरचंद गहलोत को गवर्नर कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर कौन थे? हरियाणा के गवर्नर थे सत्यदेव नारायण आर्य। वो सत्यदेव नारायण आर्य जी को त्रिपुरा भेज दिया गया, तो हरियाणा में गवर्नर का सीट खाली हो गया, तो हरियाणा में बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। और ये बंडारू दत्तात्रेय अभी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो आप इस तरह से इसको, इस PDF को डाउनलोड करके यहां से इसे रिवीजन कर लीजिए, है ना। तो बंडारू दत्तात्रेय इस तरह से आप याद रखेंगे कि बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बन गए। वहीं हरिबाबू कम भापटी जो है वो कहां के राज्यपाल बन गए,
वो बन गए गवर्नर मिजोरम के, राज्यपाल बन गए मिजोरम के। मिजोरम के कौन थे? पी एस श्रीधरन पिल्लई। चलिए बात करते हैं कि जो मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो अब से आपको बोलना है मध्य प्रदेश का राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए। अभी जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में कौन थी? तो आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है अभी। वहीं पर जो राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ये बन गए गवर्नर, कहां के? राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ये बन गए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के कौन राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल कौन थे इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। कौन बन गए? राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर हिमाचल प्रदेश के बन गए। एक बार रिविजन कर लेते हैं। गोवा का गवर्नर किसे बनाया गया? गोवा का गवर्नर बनाया गया पी एस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का गवर्नर बनाया गया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। गोवा के बने पी एस श्रीधरन पिल्लई। याद रखना है इन सारे फैक्ट को, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल बनाया गया है, अभी नए राज्यपाल बने हैं गोवा के श्रीधरन पिल्लई। वहीं पर कर्नाटका के बने हैं थावरचंद गहलोत कर्नाटका के बने हैं। वहीं पी एस श्रीधरन पिल्लई गोवा के बने हैं। सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं त्रिपुरा के। चलिए ये तीन स्टेट के बारे में बात हो गया। झारखंड के कौन बने रमेश बैस। वहीं पर हरियाणा के कौन बने बंडारू दत्तात्रेय। चलिए ये बात हो गया, त्रिपुरा के हम लोगों ने देख लिया। मिजोरम का बना है डॉक्टर हरिबाबू कंभाटी। याद रखना है उतने से हो जाएगा। डॉक्टर हरिबाबू मिजोरम के बन गए। मध्य प्रदेश के बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। बहुत नाम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आपको याद रखना है मंगू भाई मध्य प्रदेश में कौन चले गए मंगू भाई। ये याद रखना है। तो ये कुछ स्टेट है और इसके राज्यपाल अभी बनाए गए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फोर्थ लायन, आपको इतना ही याद रखना है, द फोर्थ लायन एसएस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो जो फोर्थ लायन एसेज ऑफ फॉर गोपाल कृष्ण गांधी बुक जो है ये लिखा गया है बेनू माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन के द्वारा। अभी हमने कल बात किया था कि कविता राव के द्वारा एक बुक लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपको इसके बारे में केवल ये कविता राव के द्वारा कल एक बुक मैंने बताया था कि द लेडी डॉक्टर्स, इतना अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन टिक करके आ पाएंगे। ठीक है, वहीं अवतार सिंह भसीन के द्वारा बुक लिखा गया है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। शिवशंकर मेनन के द्वारा जियो पॉलिटिक्स वाला कुछ ऐसा करके बुक लिखा गया था, ये हमने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक, जो कि अभी अभी ओलंपिक होने वाले हैं जुलाई में टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो इस बार से ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे? दोनों फ्लैग बियरर करेंगी, दो ध्वजवाहक बनेंगी मेल और फीमेल। इससे क्या होगा कि जो जेंडर गैप है उसको कम करने के क्षेत्र में ये पहला क्या है प्रयास है। तो मेल और फीमेल दोनों को ध्वजवाहक के रूप में क्या किया जाएगा टोक्यो ओलंपिक में प्रेजेंट किया जाएगा, ध्वजवाहक बनेंगे। और ये कौन कौन है? तो एमसी मैरीकॉम एक मुक्केबाज है। ठीक है, आप इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा, है ना। मुक्केबाज 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 बार ये जीत चुकी है। कौन? एमसी मैरीकॉम। वहीं पर ये आप देख रहे होंगे मनप्रीत सिंह, जो कि
पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक बनेंगे। ये बजरंग पुनिया क्या करेंगे, तो जब टोक्यो ओलंपिक खत्म हो जाएगा तो समापन समारोह कब होगा, समापन समारोह कब होगा, तो समापन समारोह 8 अगस्त को, टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह 8 अगस्त को होगा। और समापन समारोह में ध्वजवाहक बनेंगे बजरंग पुनिया, समापन समारोह में ध्वजवाहक बनेंगे बजरंग पुनिया। चलिए इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अगला देखते हैं कि 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित कहां किया जाएगा। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो IFFI ये देखिए होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका कौन सा संस्करण इस बार मनाया गया। पिछले बार 51वां था और इस बार 52वां होगा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। जब ये फिल्म फेस्टिवल होगा तो कितने पुरस्कार किसको दिए गए, ये सब करंट अफेयर्स बनेगा। लेकिन अभी जो है इसके बारे में कहा गया है कि जो 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, वेयर विल द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड, वो गोवा में करी जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कौन है, ये प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर, और इन्होंने ही बताया, इन्होंने ही लॉन्च किया है कि 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पर आयोजित की जाएगी, गोवा में। कब से कब तक, तो ये किया जाएगा 20 से लेकर 28 नवंबर 2021 तक। ठीक है, 20 से 28 नवंबर 2021। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक अवार्ड का शुरुआत किया गया है जिसे कहा जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वैसे ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार दिया जाएगा। ठीक है, क्यों दिया जाएगा, तो सत्यजीत रे की इस बार जन्म शताब्दी है और इसी के याद में ये पुरस्कार, ये अवार्ड का शुरुआत किया जाएगा 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो ये COVID-19 दवा 2DG किसने बनाया था, हम लोगों ने अभी इसके बारे में पहले देखा है। ठीक है, DRDO के द्वारा ये दवा बनाया गया है 2DG। ठीक है, तो इसका लाइसेंस किस लैब को प्राप्त हो गया, यानी कि जो ये लैब है ये दवाई अब बना सकती है, जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है COVID-19 की दवा DRDO, तो ये है लॉरस लैब, हैदराबाद में ये लैब स्थित है लॉरस लैब, और इसको लाइसेंस प्राप्त हो गया है COVID-19 2DG दवा बनाने का। ठीक है, और ये दवा किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दवा 2DG बनाया गया और इसका लाइसेंस अब प्राप्त हो गया है लॉरस लैब्स को। तो जो DRDO ने घोषणा किया था कि पहले आओ और पहले पाओ, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, इसने बोला कि अगर इस मेडिसिन का, इस ड्रग को बनाना है आपको, तो आप पहले आइए, टेंडर लीजिए, जो पहले आएगा उसको पहले ये लाइसेंस दिया जाएगा, और 15 कंपनियों को इस तरह का लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, बनाने का लाइसेंस, और इसमें लॉरस लैब को दिया गया है। ठीक है, वहीं पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इसको पहले ही, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड EUA फॉर द सेम ड्रग, मतलब इस ड्रग के लिए EUA, इस EUA क्या है, EUA क्या है इसके बारे में अगर आपको जान, इसका फुल फॉर्म होता है emergency use authorization। ठीक है, emergency के टाइम में ये यूज कर सकता है, इस दवा को यूज कर सकता है, इसको बना सकता है, ऑथराइजेशन इसको मिल चुका है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी को, किसके लिए, 2DG के लिए। तो ये जो COVID-19 की दवा है DRDO के द्वारा बनाया गया है, लोगों को कम कीमत पर, किफायती कीमत पर मिल पाए, लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, इसलिए ये दवा का विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम जिसको फुल फॉर्म शॉर्ट में कहा जाता है SSBS 10 मीटर, जो 10 मीटर तक के जो स्पैन है उसमें क्या कर सकता है, ये ब्रिज की तरह ये इसको हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम ये क्या है, चलता फिरता ब्रिज है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, जो कि इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है, सेना में शामिल किया गया, किसको, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम सेना में शामिल किया गया है। इसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO और लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, DRDO और लार्सन एंड टुब्रो दोनों ने साथ मिलकर इस शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को सेना के लिए बनाया है और अभी इसे सेना में शामिल कर लिया गया है। तो DRDO और LNT आपको याद रखना है, ये जो शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है, ये आप उसके बारे में देख पा रहे होंगे कि जो आर्मी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आर्मी के जो हेड है, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने जी ने इसको क्या किया, लॉन्च किया, किसको, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे SSBS 10 मीटर प्लेज अ क्रूशियल रोल ऑफ ब्रिजिंग द गैप्स
तो कहीं पर क्या होगा कि जहां पर गैप होगा और वहां पास नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या करेगा, एक ब्रिज चलता हमने पहले भी बताया था, चलते फिरते ब्रिज की तरह काम करेगा। इसको आप खोल दीजिए और ब्रिज की तरह वहां पर आप उसे पास कर सकते हैं। लगभग 10 मीटर के डिस्टेंस को ये क्या करेगा, गैप को भर देगा। और 4 मीटर चौड़ा है, क्या है, 4 मीटर चौड़ा, 10 मीटर का डिस्टेंस लेंथ है और 4 मीटर चौड़ा है। इस तरह से एक ब्रिज की तरह ये क्या करेगा, वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 9.5 मीटर एज अ सिंगल स्पैन प्रोवाइडिंग अ 4 मीटर वाइड फुल्ली डॉक्ड रोडवे, ठीक है, एंश्योरिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स। तो कहीं कहीं क्या होगा, ट्रूप जा रहा है और बीच में क्या है कि गैप है, ठीक है, गैप है, और वो अब वहां से कैसे जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो इसके साथ व्हीकल चल रहा है SSBS, ये इसको ब्रिज की तरह यूज कर लेगा और उसमें ये जा पाएगा आसानी से। तो ये बात हो गई, DRDO और LNT के द्वारा मिलकर बनाया गया है इसे। अगला है कि बोल्ड परियोजना, बोल्ड परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बोल्ड परियोजना, बोल्ड का अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बोल्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको बोलना है बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट, यानी कि सूखे क्षेत्र में, ठीक है, सूखे क्षेत्र में बांस वगैरह को मतलब उगाना, सूखे क्षेत्र में बांस वगैरह को उगाना और वहां पर एक क्या करना, हरा भरा पंच या फिर हरा भरा पार्ट क्या करना, बना देना, बांस उगाना सूखे क्षेत्र में। और इससे क्या होगा, उद्योग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो जहां सूखे क्षेत्र है, जैसे राजस्थान वगैरह में सूखे क्षेत्र है, तो वहां पर आदिवासी लोगों के लिए ये पर योजना लाया गया है, जिसमें कि बोल्ड परियोजना के तहत बांस के लगभग 5000 पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है, 16 एकड़ में 5000 प्रजाति के पौधे यहां पर लगाए जाएंगे, ठीक है, इस परियोजना के तहत, बोल्ड परियोजना के तहत। और इसका फुल फॉर्म क्या है, बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट। तो इस ये जो ये परियोजना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो KBIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इस परियोजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आपको इतना ही आपको यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। निपुण भारत, तो निपुण का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है बहुत सारे फुल फॉर्म, आपको बताया जाएगा कौन सा है यहाँ पर सही। तो इसका है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्या याद रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है, याद एक बार फिर से बोल लेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आपको यहां से ये याद रखना है, निपुण भारत, ठीक है, निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई, तो आपको इसे सीधा याद रखना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक साहब के द्वारा इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इस जो निपुण भारत कार्यक्रम के तहत, ठीक है, निपुण भारत कार्यक्रम के तहत 2026-27 तक जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं 3 से 9 साल तक के जो बच्चे हैं, इनकी मूलभूत पढ़ाई के से लेकर मूलभूत शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, मतलब कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे और 3 से 9 साल के एज तक के बच्चे को, ठीक है, शिक्षा की सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा सके, निपुण भारत कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। और जो निपुण भारत कार्यक्रम है, ये जो केंद्र सरकार की योजना है, समग्र शिक्षा, इसी के अंडर ये निपुण भारत कार्यक्रम क्या करेगा, काम करेगा समग्र शिक्षा। तो ये बात हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला देखते हैं कि जो कौन सा बैंक है जिन्होंने सलाम दिल से पहल को लॉन्च किया है। तो HDFC बैंक है जिसने सलाम दिल से पहल को लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप इसके बारे में देख पा रहे होंगे कि HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है। यह जो COVID-19 महामारी है, ठीक है, COVID-19 महामारी में जो फ्रंट वॉरियर्स, आप लोग जानते होंगे कोविड वॉरियर्स, ठीक है, जिसमें कि डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे,
तो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो वही उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए सलाम दिल से इनिशिएटिव HDFC ने लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है। यह महामारी के दौरान डॉक्टरों की महत्वपूर्ण सेवा के लिए, उनका थैंक यू बोलने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की गई है। किसके किसके द्वारा? HDFC। तो उसने एक वेबसाइट लॉन्च किया, www.salamdilse.com। आप इस पर जाकर लॉगिन करें और यहां से आप अपने मैसेज को, थैंक यू मैसेज को क्या करें, HDFC को वहां पर भेज दें, जो कि जिससे कि डॉक्टर्स को थैंक यू, डॉक्टर्स को प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। उसी तरह का एक इनिशिएटिव ICICI बैंक के द्वारा लिया गया था, जिसमें कौन सा इनिशिएटिव है, सैल्यूट डॉक्टर्स। आप यहाँ पर इसको PDF डाउनलोड करके देख लें। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के, वो हम लोगों ने देख लिया। आप PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में वहां पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके PDF को वहां से रिविजन कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आप थैंक यू, तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाया करेगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज का शुरुआत किया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही इससे हेल्प मिलेगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आप हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, मेहनत आप लोगों के लिए करके बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लाने के लिए। तब तक के लिए बहुत 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 शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।